तो हम सभी लोग तो जानते हैं कि आजकल के दिनों में जो स्मार्टफोन है वो भी बहुत ही एडवांस हो गया है। और स्मार्टफोन के साथ साथ जो हमारे खेलने का जो चीज़ है, जो कि बच्चे लोग खेलते हैं, जो रिमोट कंट्रोल टॉयज होता है, वो भी बहुत ही स्मार्ट हो गया है। तो फिर आज के इस वीडियो पर मैं बताऊँगा कुछ 5 ऐसे टॉयज जो कि बहुत ही स्मार्ट हो गया है, और ये स्मार्ट टॉयज है। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर नंबर 1, एमआई ट्रांसफॉर्मर। तो फिर दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे हो, ये है एमआई की तरफ से आने वाला एमआई ट्रांसफार्मर रोबोट। तो फिर ये जो रोबोट है, ये असेंबल पार्ट में आता है, और इसको आप लोगों को जो है वो इस मोटर के साथ जो है वो असेंबल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आप लोग रिमोट कंट्रोल की मदद से इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आप कोई भी डायनासोर हो या फिर रोबोट हो, आप लोग आराम से जो है वो आप लोग इस मोटर के मदद से और इस असेंबल पार्ट की मदद से जो है बना सकते हो। वो कार हो या फिर रोबोट, आप लोग आराम से जो है इस मोटर के मदद से बना सकते हो। वो है एमआई का ये ट्रांसफार्मर रोबोट। तो फिर नंबर 2, पावर रेंजर मोफर्स। बचपन का हम लोगों का सबसे जो फेवरेट शो था वो है पावर रेंजर्स डायनो हंटर। तो फिर जो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 3 बंदे 4 बंदे जो इंसान थे, वो अचानक से कुछ एक हाथ में एक मोफर्स लेके अपने ऊपर जो वो पावर रेंजर का पावर जो है वो आ जाता था, अलग अलग जो एनिमल्स का पावर उसके पास आ जाता था, और हम लोग जो है वो SPD हो या फिर अदर जो पावर रेंजर शो हम लोग देखते थे, बहुत ही बढ़िया लगता था वो शो। तो अभी आपके बच्चे के लिए ये जो मोफर्स है वो आप लोग खरीद के दे सकते हो। इसमें से आप लोग ओरिजिनल पावर रेंजर्स नहीं बन सकते, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली इसके साथ जो है वो खेल सकते हो, और पावर रेंजर का जो फीलिंग्स है वो अपने अंदर जो है वो ला सकते हो। ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, जाके चेकआउट ज़रूर करना। नंबर 3, एवेंजर्स गियर। तो फिर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर एंड गेम तो हम सभी ने देखा है। तो फिर वहाँ पे जो एवेंजर्स जो हथियार यूज़ करते हैं उसी का एक टॉय है ये एवेंजर गियर। तो फिर यहाँ पे आप लोगों को 7-in-1 जो है वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का जो है वो आप लोगों को गियर देखने को मिलता है। वो कैप्टन अमेरिका का शील्ड हो या फिर थॉर का हथौड़ा या फिर आयरन मैन का जो शूटर है, वो जाके चेकआउट ज़रूर करना। नंबर 4, K5 क्लाइंबर। तो फिर दोस्तों, अभी जो हम आप लोगों को जो दिखाएंगा ये जो गैजेट्स, ये है K5 क्लाइंबर, जो एक केकड़ा बिच्छू की तरफ देखने को लगता है, और ये दिखने में बहुत ही भयानक है, लेकिन ये एक टॉय है जो कि रिमोट कंट्रोल टॉय, और ये जो है वो रिमोट की मदद से चलता है। ये यहाँ पे आप लोग अगर रिमोट कंट्रोल टॉय का अगर फेवरेट, अगर आपके फेवरेट है तो फिर आप लोग इसको खरीद सकते हो। अगर ये जो टॉय है वो एकदम घूमता है, जाता है, अगर सामने दीवार आ जाए तो फिर उसको भी गिरा देता है, ऐसे ईंट अगर उसके ऊपर गिर जाए तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट होके वो इसके ऊपर से जो क्लाइम करके उड़ जाएगा, और आपके टॉयज जो है वो कभी भी जो है अटक के नहीं जाएगा। इसीलिए इसका नाम जो है वो K5 क्लाइंबर रखा गया है, क्योंकि ये जो है वो क्लाइंबिंग करने में एक्सपर्ट है। नंबर 5, रोवर्स कार। तो फिर दोस्तों, हम लोग जो रिमोट कंट्रोल बोट्स या फिर रिमोट कंट्रोल कार खरीदते हैं ज़मीन या फिर जो पानी में चलने के लिए, लेकिन आज जो ये गैजेट्स दिखाऊंगा ये ज़मीन और पानी में दोनों के लिए जो है वो कंफर्टेबल है। तो ये रोवर्स कार आप लोग ज़मीन में जो है वो चला सकते हो, और यहाँ पे जो है वो आप लोग इसको पानी में भी चला सकते हो। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत एडवांस फीचर्स दिखने को मिलता है। यह पर आप लोगों को एक जो है कैमरा भी दिखने को मिलता है, और यहाँ पर जो आप लोग 150 फीट तक जो इसका मैग्नेटिक यानी कि जो इसका कंट्रोल रेंज है, और ये जो आप लोग स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, और ये इसका अंदर जो है आपके कैमरा दिखने को मिलता है जिसके अंदर आप लोग अंडर वाटर जो फुटेज है वो भी देखने को मिल सकता है। तो फिर बहुत ही एडवांस गैजेट से यानी कि कार्ड से। तो फिर यही तक तो मेरा आज का 5 कूल अमेजिंग कार्ड्स के वीडियो, टॉयस का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना सब्सक्राइब। ऐसे वीडियो के साथ दोस्तों मिलते हैं दोस्त से बात, तब के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।